पलसाणा तालुकाना दस्तान गाम खाते आवेली शिवसागर स्कूल खाते वार्षिक समारोह की उजवणी करवामां आवी हती, जेमां शिक्षण मंत्री प्रफुल्लभाई पांचेडिया, धारासभ्य ईश्वर परमार अने पूर्णेशभाई मोदी सहित महानुभवो उपस्थित रह्या हता। पलसाणाना दस्तान गामनी शिवसागर स्कूलना वार्षिकोत्सव कार्यक्रममां बाळको द्वारा देशभक्ति, नाटक, नृत्य अने कराटेनी कृतिओ रजू करवामां आवी हती। आ कृतिओने निहाळी आमंत्रित मेहमानो अने वालीओ मंत्रमुग्ध बन्या हता। मेरा नाम सागर आलोक कुमार पटेल, शिव सागर स्कूल करोदरा हल्दरू रोड में स्थित है, मैं संचालक हूँ। आज हमारे स्कूल में वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। इस वार्षिक महोत्सव में 400 जैसे बच्चों ने, विद्यार्थियों ने भाग लिया। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि आज के समय में हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है, पर्यावरण को हम नहीं बचा रहे हैं, तो ये सब अलग अलग नाटक और ड्रामा के जरिए पब्लिक तक संदेश पहुंचे। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया, अलग अलग जो कराटे, योगा, जन्माष्टमी जो हर साल की तरह इस साल हमने भी एनुअल फंक्शन किया। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण एनुअल फंक्शन नहीं हो पा रहा था, कोई भी प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद इस बार हमारी संस्था शिव सागर स्कूल ने वार्षिक महोत्सव बड़ा कार्यक्रम किया। और जितने भी बच्चों के अंदर हिडन टैलेंट होता है उसको बाहर निकालने के लिए, जो छोटे बच्चे हो जो 4 साल 5 साल के, या बड़े बच्चे हो जो 10वीं और 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, उनको भी मन में डर होता है कि मैं स्टेज में जाके परफॉर्म कैसे करूं, मैं स्टेज में जाके एंकरिंग कैसे करूं, तो वो चीज़ को, उनका डर को बाहर निकालने के लिए और उनके अंदर जो अंदर का जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम हमारी स्कूल हर साल रखती है और इस साल भी रखी है। और हमारे कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करने के लिए महामंडलेश्वर महंत श्री सीताराम दास जी महाराज, जो साउथ गुजरात के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है भारत साधु समाज के, वो हमारे बीच आए थे। और मुख्य अतिथि के रूप में श्री पुण्यश भाई मोदी जी, अनिल भाई बिस्किटवाला जी और नितिन भाई ठक्कर जी, दास्तान ग्राम पंचायत के सरपंच हैं।